हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमर आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी और जो आपके पार्टनर के स्टेम की मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर बहुत ही लविंग जोन में है, स्टेम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक इस तरीके से फील कर रहे हैं कि जैसे डिवाइन लव। ठीक है, पहले आपके पार्टनर थोड़ा सा सैड एनर्जी में थे, अभी भी हैं उस चीज़ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन लव से कनेक्ट कर रहे हैं। अपने आप को ऐसा फील उन्हें हो रहा है कि जैसे वो डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हैं। ठीक है जी, बहुत बड़ा ये हार्मोनियस यूनियन के साइन हो सकता है। ठीक है जी, जिसमें आपकी बॉडी माइंड सोल एक ही बात कहता हो, डिवाइन डिवाइन डिवाइन। ठीक है जी, तो हो सकता है आपके पार्टनर इस टाइम डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हों, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हों और अपना बहुत ही ज़्यादा चक्रास मेडिटेशन के अंदर उनका मन लग रहा हो इस टाइम का आपके पार्टनर। क्योंकि जब वो पीस फील करते हैं ना तो वे डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। दुखी आत्मा भी वहीं पे जाती है और पॉजिटिव इंसान भी वहीं जाता है जब वो अपनी किसी को शेयर ना करके कम से कम अपने डिवाइन के साथ तो अपना बातें शेयर करता ही है। तो एक तरीके से ये डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना ही बहुत बड़ा जो एक इंडिकेशन दे रहा है, बहुत बड़ा साइन। ठीक है जी, उनका रीबर्थ हो रहा है, जैसे वो पहले थे ओल्ड सोल, जो उनकी ओल्ड सोल सेल्फ थी उसे आप बाहर निकल के वो 5D लेवल की एक उन्होंने सेल्फ को अपने आप में अचीव किया है, ग्रोथ की है। तो उन्हें अब लगता है कि नहीं, अब उन्हें जो भी नेगेटिव था वो सब पॉजिटिव लगना शुरू हो गया है। और आपके पार्टनर पास को छोड़ते हुए फ्यूचर की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, कब कैसे क्या किया जाएगा। प्रेजेंट में वो इस माइंडसेट को सोच के करने में लगे हुए हैं कि कैसे आगे फ्यूचर अपना ठीक किया जाए, ताकि हमें फ्यूचर में क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर अवेयरनेस में आ चुके हैं, कुछ चीज़ें जो उनके अंदर नेगेटिविटी थी, मतलब लेजीनेस भी था, कुछ आलस था कि मुझको ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, हर चीज़ से भागते रहना, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से भाग रहे हों, चाहे वो किसी काम से जॉब कैरियर से भी भाग रहे हों, कुछ ना करने का मन होना, लेकिन वो सब चीज़ों को त्याग कर वो एक्सेप्टेंस मोड पे हैं और हर चीज़ में अपना दिल लगा के काम करने का उन्होंने जो सोचा है, चाहे वो रिलेशनशिप को ठीक करना हो अपने पार्टनर के साथ, अपनी DF के साथ, या कोई कैरियर जॉब में अपनी अबंडेंस को, मनी को ग्रोथ करना हो, वो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट में अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, अपनी मनी ग्रोथ करने के लिए माइंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए। ठीक है जी, तो वो जो एक इन्होंने माइंड सेट किया है हर चीज़ के ऊपर स्ट्रगल करके मेहनत करके उसको कमाना किसी भी वे से, तो उसकी तरफ उनका बड़ा मन अट्रैक्ट हो रहा है, वो काम करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम साइलेंट हो सकते हैं, साइलेंट होकर वो ऑब्जर्वेशन में हैं, जो भी हो रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग, उन्हें लगता है कि सब डिवाइन की ब्लेसिंग है, वो एक्सेप्टेंस मोड पे आए हुए हैं और पॉजिटिव होके आगे ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड जोन में आ रहे हैं आपके साथ, वो बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है जी, बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने त्यागी हैं, नेगेटिव को त्यागा है और पॉजिटिव को अपनाया है, एक्सेप्टेंस मोड पे आ चुके हैं। तो बहुत बड़ा साइन जो आपके आपके लेवल को आगे ग्रोथ कर रहा है, आपको डिमेंशन ग्रोथ कर रहा है और आपको भी आगे ये चीज़ें आपको ले जाएगा, जो उन्हें अब अच्छे से समझ आ चुका है कि मुझे अब क्या करना है। बस जी, अभी ये पोर्टल थोड़े टाइम का रह गया है, तो आप समझ लो कि ये पूरा मंथ जो 26 को भी आपका पोर्टल ओपन रहेगा। अगर अभी भी कोई पोर्टल की हीलिंग लेना चाहेगा जिन्होंने पीछे मिस कर दिया, तो वो पोर्टल की हीलिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, वो डिटेल्स के लिए आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो अभी आपके पार्टनर जो अभी जो है वो बिल्कुल जी आ चुके हैं अपने वे में, जैसे वो जिस टाइप की सोल है तो उस टाइप के वो अपने एक्टिविटी शुरू कर दी हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं पूरा माइंडसेट। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा लिटिल बट अगर थर्ड आई ओपन हुआ है आपके पार्टनर का, तो आपको आपके हेडेक हो सकता है, साथ में आपके शोल्डर पेन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ पावर्स मिली हैं तो उसकी वजह से ये दोनों इफेक्टेड होंगे। आपको थोड़ा सा बोलने में, थोड़ा सा जब आप बोलते हो तो आपका माइंड भी खिंचता हुआ आपको फील हो सकता है, कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब आप बोलते हो तो आपका दोनों पेन होना शुरू होता है, थॉट के साथ आपका माइंड बड़ा खिंचापन फील हो रहा होगा। ये आपके थर्ड आई के ओपन होने की निशानी है, जो अगर आपको इस टाइम फील हो रहा हो तो आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर या आपका थर्ड आई ओपन हो चुका है, इंट्यूशन पावर आपकी हाई होती चली जा रही है। तो और अब लास्ट डेट है जिनको मैंने बताया था, आज लास्ट डेट है जिनको हीलिंग लेनी हो, ऑफ़र वाली हीलिंग तो आप ले सकते हैं, जिसमें डिस्काउंट ऑफ़र 3000 मिल रहा है। अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी, आज 8 PM तक का टाइम है, उससे पहले आप अपना
बुकिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद फिर आपको फिर वही 15,300 की ही हीलिंग्स पड़ेंगी। तो फिर वो आपका, आप देखिए आपको क्या करना है। तो जो सर्विस है मैंने आपके सामने रख दी है। तो अभी भी कोई बुकिंग कराना चाहता हो पोर्टल की, अभी पोर्टल ये वाला 8 के बाद फिर 26 तक फिर एक पोर्टल है, अगर आप चाहें तो अगस्त की पोर्टल परमानेंट यूनियन वाली पोर्टल ले सकते हैं। तो अब तक ये दी करंट एनर्जी विद सर्विस, फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।